चलिए बाबू ठीक है, अब एक नंबर और चेक कीजिए तो बाबू 17640, इसको चेक कीजिए तो बाबू 17640 है ना, कौन सेवन करेगा सेवन कौन सिक्स फोर करेगा। जीरो नंबर ठीक हाँ बाबू, है अब सर, ये सब क्या करता बाबू है बड़े बड़े नंबर हैं, बड़े बड़े नंबर ओ हैं क्या बाबू, ठीक बड़े बड़े नंबर है ना। अब देखिए इसमें हमको कंसेप्ट बताना है, इस क्वेश्चन पे बाबू स्टार मारिएगा है ना, इसका कंसेप्ट हमको बताना है। कीजिए सतीश, सतीश बाबू, शिवांगी दर्शन दो ना बाबू, क्यों वीडियो बंद कर लेते हो, दम दम सुसाइड हम सही में कर सर, लूंगा इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा। बाबू, पहले फैक्टर तो करो शैतान, दिखाओ तो शर्मा जी, बोल दिया हमको तो नहीं लगता कि फैक्टर किया होगा, दिखाए तो शर्मा जी कहाँ फैक्टर किए। स्कूल जाने की सर वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ तो फिर तो कैसे बाबू, जो स्टेप है बाबू पहले प्रोसीजर फॉलो कीजिए ठीक है ना। किसका अनम्यूट है, म्यूट कीजिए। चलिए ठीक है, क्या क्लास है आप लोग का, क्लास आपके पॉकेट में आ गया, जल्दी कीजिए सोम्या, फैक्टर कीजिए बाबू, शिवम वीडियो ऑन कीजिएगा बाबू, शिवम बाबू आज तो आपके पापा से जरूर बात करेंगे। म्यूट कीजिए बाबू, म्यूट कीजिए है ना। चलिए क्यों बंद कर रहे हो शिवम, वीडियो क्यों बंद कर रहे बाबू। सर हो गया, हाँ बाबू हो गया, कितना है बाबू बताइए, कितना है शिवम बताओ तो बाबू, शिवम बाबू बर्बाद हो रहा, वहां जाके बर्बाद हो रहा है, बहुत टेंशन हो रहा बाबू। सर मेरा फैक्टराइजेशन में गलत हो रहा है सर, मेरा ना टू का ना सिर्फ एक ही पैर आ रहा है, दूसरा पैर अकेला है। यस सर, मेरा भी एक ही पैर आया। हाँ बाबू, तो इसीलिए तो दिए बाबू, हर एक समय सब वही थोड़ी होगा, इसका सर फ्रैक्शन करो। परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं होगा सर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा सर, नहीं होगा। देखो इसको क्या करेंगे बाबू, फैक्टर करेंगे, फैक्टर करेंगे है ना, स्टार देना इस क्वेश्चन को बाबू, इस क्वेश्चन में हमको कंसेप्ट बताना है, कंसेप्ट बताना है ना, इसीलिए बाबू। सर 420 आंसर आएगा। अरे शैतान, परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो आंसर कहाँ से खोज रही हो। स्टार देना 17640 ठीक है, इसको इधर फैक्टर करो, दो दो बिना पेयर का आया है, टू और फाइव। हाँ तो कैसे बोल दी परफेक्ट स्क्वायर, मतलब नहीं मन से पढ़ रही तो ना बाबू, बाबू हर एक नंबर पेयर में रहेगा तभी परफेक्ट स्क्वायर होगा ना, इसको फैक्टर करो, कितना आएगा शिवम बताओ, जल्दी जल्दी बोलो बाबू। शिवम शैतान है सो रहा, शिवम बाबू सर 882। अच्छा ठीक है अंशुजीत, चुप रहे शिवम, शिवम नहीं सुनेगा, एकदम नहीं सुनेगा, कितना आएगा बाबू 800 बाबू, सर 8820। हाँ नेक्स्ट बाबू कितना आएंगे, नेक्स्ट जल्दी से बोलिए, 4410 1470 735 735। नेक्स्ट बाबू कितना से, 2 4 5 से, सर 2 से नहीं कटेगा सर, 2 0 2 2 0 5 से, 5 से कितना, सर 249 सर 49 7 से, 7 सर। हाँ बाबू सर 2 2 0 5 2205 जो 2 से नहीं 3 से कटेगा, 2205। हाँ बाबू यहाँ 3 से कटेंगे, ठीक है यहाँ 3 से कटेंगे, चलिए ठीक है 3 से कटेंगे ठीक है, वेरी गुड। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, इसको कैसे लिख सकते हैं बाबू, इसका फैक्टर 2 × 2 × 2 3 टाइम्स हो गया, ठीक है सर 3 बाबू कितना टाइम्स है सर, 2 टाइम्स है सर, ठीक है सर 5 कितना टाइम्स है, 1 टाइम्स है सर, और 7 बाबू कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है, ठीक है ठीक है सर। बाबू देखो अब इसको थोड़ा जो जो पेयर है उसको एक साथ लिखो, तो 2 × 2 एगो पेयर सर, 3 × 3 बाबू एगो पेयर सर, और 7 × 7 सर दो गो पेयर, नेक्स्ट पेयर बाबू बच क्या गया सर, बच क्या गया सर, बच गया सर एगो यहाँ से 2 बच गया बाबू, 5 और 2 और एगो यहाँ से 5 बच गया, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे कंसेप्ट समझना, इसको स्टार देना बाबू, इस क्वेश्चन को स्टार देना, ठीक है यहाँ पे कंसेप्ट है, ठीक है यहाँ पे कंसेप्ट है।
मतलब क्या सर? देखो सर, यहाँ सर, यहाँ सर, यहाँ सर, यहाँ सर, क्या सर? टू का पेयर, दो पेयर में प्रेजेंट है सर? हाँ सर, यहाँ भी प्रेजेंट में है सर, यहाँ भी प्रेजेंट, और यहाँ टू सिंगल हो गया। अब इसके साथ फाइव भी है, वो अकेला बेचारा पड़ गया। फाइव भी क्या पड़ गया बाबू? अकेला पड़ गया। तो ये बाबू जो नंबर है बाबू, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बाबू, नॉट परफेक्ट स्क्वायर है ये बाबू नंबर जो है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना? नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, ठीक है सर? नहीं तो अब हम क्या करेंगे सर? अब हम क्या करेंगे सर? कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं बाबू, है ना? अब समझो, यहाँ पे समझो बाबू, ठीक है? यहाँ पे समझे बाबू, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है बाबू, नहीं है, अगर आप चाहते हो, चाहते हो, चाहते हो कि क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, स्क्वायर हो जाए, स्क्वायर हो जाए बाबू, स्क्वायर हो जाए, स्क्वायर हो जाए, स्क्वायर हो जाए बाबू, ठीक है बाबू? अगर आप चाहते हो बाबू कि यह जो नंबर है बाबू परफेक्ट स्क्वायर बन जाए बाबू, तो इस नंबर में क्या से मल्टीप्लाई करो बाबू कि हर एक का पेयर हो जाए? तो दो का पेयर नहीं ना बाबू, तो इसमें दो से मल्टीप्लाई करो। एक फाइव का पेयर नहीं ना बाबू, तो फाइव से मल्टीप्लाई करो, तो हर एक नंबर का पेयर हो जाएगा। तो आप कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हो? टेन से मल्टीप्लाई करो। तो किस में मल्टीप्लाई करोगे टेन से? अल्टीमेटली इसी में इतना 1176 बाबू 40 है, 1764 0, तो इसको फैक्टर करोगे इतना होगा, सारे को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा, है ना? मतलब इस नंबर में बाबू 2 × 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो जो दिया हुआ नंबर वो क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन नंबर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, नंबर चेंज हो जाएगा वो, है ना? तो अगर आप चाहते हैं बाबू कि ये नंबर बाबू परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करोगे? कितना से मल्टीप्लाई करोगे शैतान मेरे? तो देखो मेरा, अगर हम लोग उसको परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे तो उसका नंबर 420। हाँ बाबू, ठीक है ना? तो ये नंबर क्या होगा बाबू? अगर ये नंबर में बाबू देखो क्या करोगे, 2 × 2 × बाबू 3 × 3 क्या हुआ शिवम, बताओ बाबू? 7 × 7 अब बच क्या गया बाबू? 2 × 5, है ना? तो बाबू यदि बाबू, यदि बाबू अगर हम चाहते हैं बाबू कि इस नंबर में, इस नंबर में बाबू किस मिनिमम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, अब यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से आएगा, समझो। ये जो नंबर है 17640 बाबू, इसमें बाबू किस मिनिमम नंबर से, किस स्मॉलेस्ट नंबर से बाबू मल्टीप्लाई करें कि यह जो नंबर है बाबू परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, है ना? तो किस से सर? ये वो क्वेश्चन आपका बन गया सर। तो यहाँ पेयर किसका नहीं हो रहा सर? एगो टू का नहीं हो रहा सर, एगो फाइव का नहीं हो रहा सर। तो ये 2 × 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना बाबू? तो हम लोग इस नंबर में बाबू किस से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से अगर मल्टीप्लाई, 5 × 2 क्या, हाउ मच? 10। तो जो दिया हुआ नंबर है बाबू उसमें अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देते तो जो नंबर ऑब्टेंड होगा बाबू क्या बनेगा? परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। मतलब क्या सर? ये कंसेप्ट करके बाबू, है ना? इफ वी बाबू मल्टीप्लाई, इफ वी बाबू मल्टीप्लाई, इफ बाबू मल्टीप्लाई 2 × 5 बाबू, इफ वी मल्टीप्लाई इन द गिवन नंबर बाबू, इन द बाबू गिवन नंबर, गिवन नंबर बाबू, इन द बाबू गिवन नंबर, then the number will be babu, number will be perfect square, number will be babu, concept करके लिखना, will be babu perfect square। मतलब क्या सर? मतलब क्या बाबू? 2 × 5 how much बाबू? 10 से, तो 17640 बाबू, इसको अगर बाबू 10 से multiply कर देता तो ये जो number होगा 17640, तो ये क्या हो जाएंगे? perfect square number हो जाएंगे। अब ये जो नंबर बन गया वो क्या बन गया? परफेक्ट स्क्वायर बन गया, है ना? तो ये कंसेप्ट है बाबू। अब यहाँ से पूछेगा किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा, किस नंबर का बाबू? तो यहाँ से एगो 2, यहाँ से एगो 3, यहाँ से एगो 7, यहाँ से एगो 2, यहाँ से एगो 5, नंबर कौन सा बनेगा शैतान मेरे? तो जो नंबर बनेंगे बाबू, जो नंबर बनेंगे शैतान मेरे, कौन से बनेंगे? एगो 1 × 2 सर, एगो यहाँ से भी एगो 2 है बाबू, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया बाबू, एगो 7 हो गया, 0 बनेगा सर, इसको मल्टीप्लाई करो, 420 होगा शैतान, 2 × 4 = 12 = 84 = 84 = 520 = 8 = 40 = 42। समझे शिवांगी? यस सर, यस सर, 420 बनेगा। प्रकाश सिंह समझ में आया बाबू? यस सर। आई दोनों सर, हो गया, ठीक है बाबू, है ना? चलिए बाबू, अब क्वेश्चन देते हैं, अब बाबू लिटरेचर टाइप क्वेश्चन देते हैं ना, लिटरेचर टाइप क्वेश्चन देते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय, बोलिए बाबू, कोई बोल रहे हैं? चलिए नहीं बोल रहे हैं, ठीक है बाबू। अब क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा? जो ये कंसेप्ट बताया ना बाबू, ये कंसेप्ट बताया ना, इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है? तो
तो एकदम मन से पढ़ना, मन तन से पढ़ना, टाइम पे 6:50 है तो 5:50 टाइम पे आ जाना, ठीक है ना, लेट नहीं करना, क्योंकि बाबू 6:40 में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट चल जाते हैं, इसका भी उसका भी क्लास है, सतीश का भी क्लास है ना। नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन लिखे बाबू, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, क्लास को कैसे हैंडल करते हैं, फाइंड द बाबू स्मॉलेस्ट नंबर। अरे हमारे सारे बच्चे टैलेंटेड है, आपके जैसे नहीं है, खाली बोलते हैं। फाइंड द बाबू स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाबू, बाई विच, फाइंड द बाबू स्मॉलेस्ट नंबर बाबू, बाई विच 180 मस्ट बी मल्टीप्लाई, मस्ट बी बाबू मल्टी MULTI, मस्ट बाबू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाबू मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो डेट शैतान मेरे किसका किसका बंद है, सो डेट बाबू द प्रोडक्ट, सो डेट बाबू द प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट इज बाबू परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, बच्चा वाला, बच्चा वाला, बच्चा वाला क्वेश्चन कितना बड़ा था, ये तो बच्चा वाला, बच्चा वाला क्या करे बाबू, 180 में बाबू किस नंबर से मल्टीप्लाइड करो कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, अभिनव प्रकाश समझ में आ रहा बाबू, अभिनव ये अभिनव हाँ बाबू चलिए सॉल्व कीजिए, तो बाबू अटेम्प्ट कीजिए तो फिर हम बताते हैं, अटेम्प्ट कीजिए। तो एक घंटे क्लास कितना 45 है, शैतान गलती है 90 स्मॉलेस्ट नंबर बोल रहा बाबू, अरे सौम्या आ रहा है सर, 5 से सर 5 से सर 5 तो बताइए आंसर, बताइए शिवम बाबू बताइए, ठीक है ठीक है आनंद बाबू ठीक है, शिवम बताइए सर अभी सॉल्व कर, 5 का आंसर हाँ बाबू, तो पहले 90 या 45 कैसे बोल लेता, 5 सर, ये शिवांगी नहीं दर्शन दीजिएगा बाबू, अब तो नहीं बर्दाश्त होता सर, 5 सर हाँ बाबू सर, डिवाइड कर रहा हूँ सबसे छोटा नंबर को फैक्टर करने पर, अनम्यूट कीजिएगा तो ना बोलिएगा शिवांगी, ऐसे बोल रही हूँ, बोल रही, अनम्यूट तो नहीं बोल रही हूँ ना कि वीडियो तो मेरा ऑन ही था, मैं गई थी व्हाट्सएप पे कुछ देखने के लिए आपका व्हाट्सएप पे, तो उसी में मेरा वीडियो ऑफ हो जाता है। नहीं बाबू आप बार बार बोल दिए ना, आप मोबाइल में क्लास के सिवा कुछ करोगे, व्हाट्सएप चैट करोगे, गेम करोगे, वीडियो आपका ऑफ हो जाएगा, डेफिनेटली ऑफ हो जाएगा, तो यही तो बाबू पकड़ने का तरीका ना, आप माने कुछ चैट करो तो वीडियो आपका ऑफ हो गया, तो हमको पता चल जाएगा कि आप चैटिंग कर रहे हो, गेमिंग कर रहे हो, कुछ करोगे वीडियो बंद हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। नो सर, मैं गई थी देखने के लिए, यहां पे हूं तो बुक नहीं है ना मेरे पास उसका, अच्छा ठीक है चलिए, ठीक है ठीक है सर, कुछ भी कीजिएगा वीडियो बंद, हाँ बाबू तो ये बन जाएगा ना, देखो कैसे करना है सोल्यूशन, कुछ मत करना, कुछ मत करना शैतान मेरे, 180 का फैक्टर करना, क्या करना बाबू 180 है ना, 180 है ना बाबू, तो इसको फैक्टर कर देना, तो 180 का बाबू फैक्टर करोगे तो 2 टाइम्स कितना होंगे सर 90 होगा, पहले छोटा नंबर लिखना, 45 होगा, 3 से बाबू 15 हो जाएगा, और 3 से बाबू 5 हो जाएगा है ना, अब 5 से बाबू 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2 हो जाएंगे बाबू, और 3 × 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब बाबू देखो क्या, 2 का पेयर मिल गया सर, 3 का पेयर मिल गया, 5 का पेयर नहीं मिला, तो 5 का पेयर मिल जाता तब ना परफेक्ट स्क्वायर होता है, यहाँ तो 5 का पेयर ही नहीं मिला, तो हम लोग किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, किसको, इसमें एक और 5 बना दे बाबू, इसमें एक और 5 अगर बना देते बाबू, इसमें बाबू क्या बना देते, वो और 5 बना देते, और एगो 5 बना देते शैतान, एगो और 5 बना देते बाबू है ना, क्या सर एक और 5 बना दो, तो अब क्या हो गया बाबू, ये क्या हो गया, सभी का सभी पेयर में, ये भी पेयर है सर, ये भी क्या बाबू पेयर है, हाँ सर ये भी पेयर है बाबू, और ये भी क्या है पेयर है ना, सभी का सभी क्या है पेयर में, तो अब ये जो नंबर है बाबू क्या हो गया, अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई, मिनिमम नंबर कौन सा, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा भाई, 5 है, तो आंसर आपका क्या, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा बाबू, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा है ना, तो स्मॉलेस्ट नंबर जब 5 हो जाएगा तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 18 × 95 हो जाएगा है ना, तो इसमें इसलिए बाबू अगर 180 बाबू इंटू 5 कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, तो 900 तुम्हारा 30 का है ना, 900 तुम्हारा 900 तुम्हारा 13 का परफेक्ट स्क्वायर है ना, देखो ना किसका 30 का, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको भी मल्टीप्लाई करो, तो नंबर कौन सा आएगा,
नंबर कौन सा आएगा? देखो तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5 ये 13 आ जाएंगे, है ना? यहाँ पे 30 सर। हाँ बाबू 30 30 हाँ हाँ बाबू ठीक है 30। प्रकाश सिंह समझ में आया बाबू? प्रकाश सिंह यस सर, लेकिन एक और तरह से निकलता है। बताएंगे 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 सर। मैं एक बार पानी पी के आती हूँ। मामा से मांग नहीं सकते। नेक्स्ट बाबू किसका बनाया? तो 540 बाबू। वो दूसरा रूम है। 540 बाबू जल्दी से कीजिए। तो सर पूरा क्वेश्चन लिख के। हाँ बाबू तब ठीक है। हाँ शैतान पूरा लिख के। चलिए अब थोड़ा शिवानी से थोड़ा गपशप किया जाए। ये हमारे प्यारे से दुलारे से न्यारे से साहब शिवानी। सर 10 हो गए सर। कितना होगा? 10। हमेशा ही पहले बोल देगा चूहा के एकदम गलती बोल देगा। शर्मा जी पहले बाबू जो आपको प्रोसीजर से चलिए ना बाबू, गलती नहीं होगा। सर 15 से कीजिए जल्दी। सर 15। हां बाबू सही है सही है। तो पूरा क्वेश्चन लिख के फिर ऐसे एकदम आंसर लिखेंगे तब तो पहले बोल। सर 15 से एक 5 अलग एक 5 का पेयर लेना पड़ेगा, 5 और एक 3 का पेयर लेना पड़ेगा। चलिए बाबू तो क्वेश्चन लिखती हो शिवांगी क्या? ऐसी खाली बोल दे, इसका फेयर में चेक करेंगे तो। सर अभी ना अभी वही बोल ऐसे। यस सर चेक कर लीजिएगा। अभी मैं फेयर में थोड़ी लिखती हूं, अभी तो रफ में लिखती हूं। अच्छा हां हां रफ में लिखिए। ये रिस्का हमारी क्या कर रही है? नेल कटर से, कटर से, शार्पनर से? सर क्लास कर रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है। तो दोनों हैंडल होता है बाबू की कंफ्यूजन हो जाता है इधर उधर। सर एक बात बताइए सर, खाली अभी इतना धीरे धीरे बोलते हैं कि कोई सुन भी नहीं पाएगा। लग रहा है मुंह में जमा हुआ सर का। हमारे पास सारे आपके स्टूडेंट आ जाए ना बाबू तो आप लोग तो बहुत ऊपर लेके चल जाए। 112। म्यूट कर लीजिए रिश्ता ठीक है। आपके आपके फ्रेंड सब बहुत अच्छे से मन से पढ़ रहे हैं सुन लिए। इसका बाबू बन जाएगा इसको बना के लाइए। सतीश हमारा चला गया ना? सतीश चला गया ना बाबू? सर एक बात बताइए, मेरे मुंबा को सोल्यूशन कराने में 40 मिनट लगा दे, 40 मिनट का क्लास ही रहता है। आपसे हम बाद में गप कर लेते रिश्का बाबू, है ना? पहले सबको पढ़ा देते, थोड़ा नहीं आपका साउंड सही जाता है। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और सर, एक क्वेश्चन और सर, एक क्वेश्चन और सर, एक और बाबू, एक और क्या सर, क्या सर, क्या सर? अगर बाबू मान लो कि यही क्वेश्चन है बाबू या 180 वाला बाबू, ठीक है ना? 180 वाला, ठीक है ना? 180 वाला ऐसा था। एक बार कंसेप्ट समझना, एक थोड़ा सा बाबू थोड़ा सा फिर इसके बाद एंड कर देंगे। थोड़ा सा एक बार समझिए ना। अगर बाबू जैसे 180 क्वेश्चन है, ठीक है सर, 180 है, इसका फैक्टर इतना आया सर, इतना आया, है ना? सभी रेज कर देते, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज आ जाओगे। थोड़ा सा एक और कंसेप्ट समझिए ना। अब बाबू क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू क्या है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाबू बाय बीच, ठीक है ना बाबू? बीच बाबू, ठीक है ना? 180 बाबू मस्ट बी बाबू दूसरा कलर से लिख देते हैं, ठीक है? DIY होता है ना? नहीं शैतान इसको समझाते हैं। यहाँ देखो अभी तक क्या था बाबू कि मल्टीप्लाई करना था। शांति सब समझो, अब अंतर समझो दोनों क्वेश्चन में। अभी आपको हम क्या कर बाबू, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाबू बाय व्हिच 180 मस्ट बी डिवाइडेड है, डिवाइडेड है, 180 में किस नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको क्या बन जाए बाबू? सो डेट द बाबू है ना बाबू? सो डेट द बाबू रिजल्ट इज क्वेश्चन। सो डेट द बाबू रेड से लिख देते ना बाबू। सो डेट द बाबू रिजल्ट इज बाबू परफेक्ट स्क्वायर, है ना? रिजल्ट इज बाबू परफेक्ट स्क्वायर, है ना? ठीक है सर तो देखो बाबू क्या करा, 180 है सर, फैक्टर भी है सर, डिवाइडेड सर। हां बाबू मस्ट बी डिवाइडेड, ठीक है ना? ठीक है 180 है सर, फैक्टर किया सर, इतना आया, है ना बाबू? 180 यही आया, वही बात है ना? तो
इसको यहाँ लिखो, चाहे यहाँ लिखो, दोनों क्या सेम है ठीक है बाबू। अब बाबू देखो क्या मेरे शैतान मेरे, अब बाबू देखो 180 को फैक्टर कर दिया है ना सर, 2 times 2 3 times 5 times बनाया। म्यूट कीजिए ना, किसका म्यूट कीजिए ना, थोड़ा समझे ना, यहाँ पे समझे ना, है ना, ठीक है। अगर बाबू अब आपको क्या करा कि इस नंबर में बाबू किस नंबर से डिवाइड करो, बाबू किस नंबर से डिवाइड करो कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो जो नंबर पेयर नहीं है, अगर मान लो बाबू यहाँ 5 नहीं आता, यहाँ 5 नहीं आता, तो ये क्या परफेक्ट स्क्वायर आपको नहीं दिख रहा है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, मतलब हम कोई यहाँ 180 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा, 36 परफेक्ट स्क्वायर। हाँ ठीक है ना बाबू, तो अगर बाबू यहाँ पे अगर 5 नहीं होता तो मेरा काम हो जाता, परफेक्ट स्क्वायर आ जाता, लेकिन यहाँ 5 है बाबू, तो 5 ही तुमको तो नाश कर रहा है ना, यही तो नाश के कारण है। तो इसको बाबू किससे डिवाइड कर दोगे, इसको बाबू अगर हम 5 से डिवाइड कर देते तो 5 कैंसिल हो जाएगा, ये सुसाइड कर लिया। अब सुसाइड कर लिया तो जो बचा हुआ नंबर है बाबू क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो अगर मल्टीप्लाई करना रहेगा बाबू तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड अब हमेशा 5 से, सिर्फ 180 वाला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन रहेगा तो उसमें दूसरा कंसेप्ट लगाना, जो नंबर मतलब कहने का सेंस क्या है, जो नंबर बच जाएंगे ना पेयर में बाबू, जितना नंबर पेयर में बच जाएगा, जिसका पेयर नहीं उस उसी नंबर से डिवाइड करो तो वो नंबर क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, हट जाएगा तो रिमेनिंग नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, है ना, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है सर, है ना बाबू। तो यहाँ से बाबू ये क्या हो जाएगा, अगर इस नंबर में 180 में बाबू ये फैक्टर इसका है तो इसको 5 से डिवाइड कर दोगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना बाबू, बचेगा क्या 2 × 2 × 3 × 3, है ना। तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बाबू, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, है ना, है ना बाबू, ठीक है, ठीक है सर। तो किससे डिवाइड करेंगे बाबू, सो डेट बाबू फॉर परफेक्ट स्क्वायर बाबू 180 विल बी बाबू डिवाइडेड बाय बाबू किस से, 5 से सर। इसको 5 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 यहाँ बचा हुआ था ना बाबू, ये वो पेयर जो अनपेयर रहेगा उसी को उससे डिवाइड कर देना, या वो यहाँ 5 वो बचा हुआ था ना, इसी को हमको हटाना है ना, इसको हटाना, तब मेरा क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो किससे डिवाइड करवा, 5 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है बाबू, 5 से डिवाइड कर दो, है ना, समझ में आया शिवम? यस सर। चलिए ठीक है बाबू, तो कल से आप टाइम पे आना बाबू, है ना सर, होमवर्क नहीं देंगे। हाँ बाबू, तीन को करके लाइएगा। अच्छा ऐसी बात है, तो आप हमको रिमाइंड करवा देते ना। अच्छा ठीक है, बोले ना कि हमको नींद नहीं खुलता है सुबह में। अच्छा मेरे यहाँ जरूर, ठीक है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन डीआईवाई बाबू कर डर करके आइएगा। तो आज अच्छा खासा सिलेबस घिंचा गया बाबू आपका, सीरियस होकर क्लास चलता है, मॉर्निंग में क्लास एकदम माइंड भी ठीक रहता है, क्लास भी ठीक रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 बाबू डीआईवाई, यहाँ बाबू कितना पहला क्वेश्चन था, 540 था ना पहला क्वेश्चन बाबू, 540 है। लिखिए जल्दी से, कल बाबू हम लोग परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर हुआ ना उसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसका क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, है ना। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना बाबू, ठीक है ना, ये बहुत यूज होगा इसका। सेकंड नंबर क्वेश्चन बाबू, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, जल्दी से लिखो, सेकंड हम लिखने नहीं जा रहे हैं, इसी में हम रिमूव करेंगे, सेकंड हम लिखने नहीं जा रहे हैं, शैतान पहले बोल देते हैं। सर तब तो टाइम लगेगा ना सर, सम ऑफ हो गया सर, लिख लिए, लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन बाबू स्क्रीनशॉट, नहीं लिखना तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इरेज करते हैं, लीजिए जल्दी से। यहाँ पे बाबू कितना दिया हुआ आपका, एक क्वेश्चन है बाबू 252 है, 252 है, 00 है,
क्वेश्चन नंबर सेकंड हुआ, वो लीजिए स्क्रीनशॉट। तेरा 7 बजे वाला बैकअप क्लास है? नहीं है, हो गया ठीक है। क्वेश्चन नंबर शैतान स्क्रीनशॉट ले लो ना, ग्रुप में डाल देना। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर थर्ड बाबू ले लिए सर। क्वेश्चन नंबर थर्ड कितना होता है, 10 से 24 होता ना बाबू, 10 से 24 थर्ड बाबू का 10 से 24 है। 32 का स्क्वायर है ना सर। क्वेश्चन सेकंड में क्या था वर्ड? 512 कर लो शैतान, तो 512 कर लो। लो सर क्वेश्चन सेकंड में कौन सा वर्ड है तो बोलिए ना। 2520 था, 25200। अच्छा सर, चलिए ठीक है। इतना बना के लाना बाबू, कल से टाइम पे आना। 550 का मतलब 550 होगा बाबू, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट का बार बार बोल रहे हैं बाबू क्लास है, तो 550 से स्टार्ट कर लेंगे ठीक है ना। और 640 तक लगभग क्लास चलेगा, और लास्ट में जो बचेंगे बाबू उसमें होमवर्क चेक करें। आएंगे हम 550 में क्लास शुरू कर देंगे ठीक है ना। कोई मर्सी, कोई वेटिंग, कोई कुछ नहीं ठीक है। ठीक है बाबू, बाय बाय बाबू। हाँ रिस्का, अब हमारी रिस्का बाबू।